3 पे है इस्लाही माइनिंग, यानी मुख्तलिफ महरीन ने इसकी तारीफ की है, यानी अपने ख्याल बयान की है। जैसे शेख मोहम्मद इकबाल लिखते हैं कि हर कौम मिल्लत की सुनती का वो जहरी नक्शा हैबत या फतोहार जो इसे दीगर अकवाम से मुस्ताद करता है तहजीब कहलाता है। ठीक है, यानी मेरे ख्याल में किसी कौम के पक्का असूल नजरियात को तहजीब कहा जाता है, यानी जो हमारे असूल होते हैं, नजरियात होते हैं, ज़हनी ख्याल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? नजरियात, तहजीब कहा जाता है। ठीक है, हमारा जो अपनी तहजीब होती है, हमारा जो अपना नजरिया होता है, रहन सहन का तरीका होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तमद्दुन के लफ्ज़ी मायने। ठीक है, ये लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ मुद्दुन से निकला है, जिसके मायने शहर बसाना, मिलजुल कर रहना, आबाद करना और क़याम करना के है। क्या है तमद्दुन? यानी शहर बसाना, यानी एक जगह पर शहर बसाना, मिलजुल कर रहना, यानी मुख्तलिफ लोगों का गिरोह, यानी मिलजुल कर रहा जाए, आबाद करना, क़याम करना, किसी जगह पर ठहरना। ठीक है, इस तरह तमद्दुन की भी मुख्तलिफ महरीन ने तारीफ की है। यानी शेख मोहम्मद इकबाल साहब लिखते हैं कि जिंदगी के लवाजमात और जरूरियात को पूरा करने के लिए कोई जो कुछ भी बताता है, ईजाद करता है या तैयार करता है, वो सब तमद्दुन के तहत आते हैं। यानी क्या करता है? जो ईजाद करता है, तैयार करता है, बनाता है, वो सब क्या होता है? तमद्दुन होता है। ठीक है, अब हमारा है सवाल नंबर 1, यानी तहजीब और तमद्दुन में इम्तियाजी फर्क बयान करना है। ये हमारा लॉन्ग है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। देखें, तहजीब और तमद्दुन में इम्तियाजी फर्क बयान करना, इसका जवाब सफर नंबर 3 पर है। देखें, ये इसका पूरा यहाँ से सफर नंबर 3 से यहाँ तक इसका जवाब बनेगा। ठीक है, आपने तहजीब और तमद्दुन में फ़र्क करना है और यहाँ भी इसका फ़र्क बयान किया जा रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ आराह की रोशनी में यहाँ से फ़र्क बयान करना है, जो आपका अपना हमारा अपना नज़रिया है, वो इम्तियाजी फ़र्क यहाँ बयान किया जा रहा है। ठीक है, ये पूरे सवाल पे जो उनसे है आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये इसका जवाब है, सवाल नंबर 1 का जवाब है तहजीबों और तमद्दुन में इम्तियाजी फ़र्क बयान करें। ठीक है, फ़र्क बयान करना है कि तहजीब और तमद्दुन में क्या फ़र्क है। आगे है सवाल नंबर 2, इस्लामी तहजीब के अवामिल बयान करें, यानी हमारी इस्लामी जो तहजीब है इसके अवामिल कौन से हैं वो बयान करने हैं। तो ये देखिए सफ़ा नंबर 4 से है, यानी पेज नंबर 4 पर इसका जवाब है। मैं आपको दिखाती हूँ पेज नंबर 4 पर इसका जवाब, यानी यहाँ से इस्लामी तहजीब के अवामिल। ठीक है, यहाँ से हमारा जवाब शुरू हो रहा है, इस्लामी तहजीब के अवामिल। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? इस्लामी तहजीब के अवामिल में क्या आ जाता है? पहले यहाँ से हमारी यहाँ तक हाइडिंग होगी, बाद में अवामिल में हमारे होगी तौहीद, रिसालत, मलाइका, आसमानी कुतुब, आखिरत। ठीक है, तौहीद के बारे में सबसे पहले आपने इतना पॉइंट लेना है, आपका जवाब इतना बन रहा है, यानी तौहीद के बारे में इतना पॉइंट लेना है। यानी तौहीद क्या है? यानी अल्लाह ताला को एक मानना, एक जानना, इसकी हकीकत को तस्लीम करना, और इसकी ज़ात सिफात में किसी को भी शरीक ना किया जाए, और ये मान लिया जाए, इस पर यकीन रखा जाए कि पूरी कायनात खालिक व मालिक को जानने वाला और रिस्क पहुँचाने वाला अल्लाह ताला ही है। ठीक है, ये होगी हमारी तौहीद वाली। आगे है रसूलों पर ईमान, यानी ये हमारा पॉइंट शुरू हो रहा है, ये आपने नहीं करना, क्योंकि ये तहजीब की अहमियत के पॉइंट है। ठीक है, आपने यहाँ से इतना तौहीद वाला पॉइंट करना है, उसके बाद रसूलों पर ईमान, यानी रसूलों के लफ्ज़ी मायने क्या है? पैगाम पहुँचाना। ठीक है, अल्लाह ताला का पैगाम वो लोगों तक पहुँचाते हैं, यानी उनको हदायत का रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, तो वही फलाह पाते हैं जो अंबिया कराम के पैगाम जो पहुँचाए हुए हैं उन पर चलते हैं। ठीक है, इस तरह रसूलों पर ईमान रखा जाए। आगे हमारा है पॉइंट फरिश्तों पर ईमान लाना। क्या है? फरिश्तों पर ईमान लाना, ये हमारा इतना पॉइंट होगा। फरिश्तों पर ईमान लाना क्या है? यानी वो नूरी मखलूक हैं और अल्लाह ताला के काम सर अंजाम देते हैं, यानी ना तो वो गलती करते हैं और ना ही कोई गुनाह करते हैं, यानी हर गुनाह से पाक हैं और वो अल्लाह ताला की एक नूरी मखलूक है। ठीक है, इस पर ईमान रखा जाए, और वो भी अल्लाह ताला के पैगामात को आगे पहुंचाते हैं। ठीक है, और फरिश्तों को रसूल भी कहा जाता है। ठीक है, फरिश्तों को याद रखिएगा, रसूल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हमारा है मशहूर कुतुब, यानी आसमानी किताबें, यानी हामी किताबें कौन सी हैं? 4 हैं। ये वाला आपने अंदर पॉइंट इसके लेना है,
यानी चार किताबें कौन सी हैं? तो रैज, ज़बूर, अंजील, कुरान मजीद, यानी जो पिछली किताबें हैं उनको भी हम मानते हैं, उन पर भी हमारा ईमान है, और कुरान मजीद पर जो अहकाम है जो उसमें से दिए गए हैं उन पर भी हमारा ईमान है, ठीक है, ये आपने करना है। इसमें तहजीब आगे आता है पॉइंट आखरत, यानी आखरत पर ईमान। तो आखरत पर ईमान यानी आखरत का मतलब होता है बाद में आने वाली चीज़, क्या होता है, बाद में आने वाली चीज़, यानी हम मरेंगे उसके बाद हमें अल्लाह ताला की तरफ पलटना है, यानी आखरत हशर तैयार किया जाएगा जहाँ हमें अपने बुरे माल और अच्छे माल का बदला मिलेगा, ठीक है। तो ये आखरत पर यकीन रखना भी तहजीबी इस्लामी तहजीब के अवामिल में से एक है। तो आपने इसका पॉइंट यहाँ तक करना है, ठीक है, यहाँ तक इसका पॉइंट करना है। ये सवाल नंबर दो का जवाब है जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं और कितने कितने करने हैं, ठीक है। आपने ये सारे याद करने हैं अच्छे से और अपनी बुक पर निशान भी लगा लेने हैं ये सारे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।